हाय एवरीवन, आई एम होपिंग दैट वी ऑल आर डूइंग फाइन। तो सीएमए फाउंडेशन की हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे थे, अपना लॉ स्टार्ट कर रहे थे। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टडी नोट नंबर 1 का अपडेट कर लिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का अपडेट कर लिया हमने, और अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। सीएमए फाउंडेशन का जो लास्ट स्टडी नोट है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस एथिक्स। तो धीरे धीरे करके इनके कंसेप्ट को हम समझते हुए जाएंगे। सिंपल है बिल्कुल, एथिक्स तो बहुत ही ज्यादा ईजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसके जो मार्क है वो मिलते हैं अपने को। दोस्तों सबसे पहले ना एक डिफरेंसेस चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि एथिक्स एंड मॉरल क्या होता है। तो सिंपल है दोस्तों, मॉरल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर समाज है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लोगों का जो समूह है किसी बात को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो होता है मॉरल्स। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अपनी बात रखता है या कोई इंडिविजुअल कोई नई चीज का इनोवेशन करता है तो उसको हम बोलते हैं एथिक्स। ओके, मान लीजिए अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो ओला कंपनी है, अगर उसने एक उसका एक अपना अलग एक विचार था तो वो जाएगा हमारा एथिक्स के अंदर, और मॉरल के अंदर हो जाता है जब सोसाइटी किसी चीज को एक्सेप्ट करती है। मान लीजिए समाज के दस लोग मिलकर बैठे, उन्होंने अपनी बात को रखी, तो वो क्या हो जाएगा, मॉरल के अंदर कवर हो जाएगा। सिंपल था, एथिक्स का मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज और समाज में रहने वाले लोगों को उससे क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, ना कि नुकसान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मॉरल का मतलब ये है कि ये हमारी जो प्रथाएं चलती हैं, जो समाज के जो लोग जिस बात को मानकर चलते हैं वो हमारे मॉरल के अंदर कवर होती है। जो एथिक्स है वो एथिकॉस वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड एथिकॉस से आया, जिसका मतलब है कैरेक्टर, यानी कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की कैरेक्टर से उसकी खास बातें हो सकती हैं। और जो मॉरल है वो ग्रीक वर्ड मोस से आया, जिसका मतलब है कस्टम, यानी समाज के लोगों ने जो अपनी प्रथा बना के चली हुई है वो। एथिक्स जो है ना कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसमें डील करता है, और ये क्या उसके प्रिंसिपल्स पर डील करता है, जिसमें समाज के रहने वाले लोग मिलकर ये चीजें डिसाइड करते हैं। डील्स विद इंडिविजुअल कैरेक्टर, मैंने कहा था ना किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की खास बातें हैं, कि इस व्यक्ति के अंदर कोई खास बात है जिससे समाज का भला हो रहा है। लेकिन डील्स विद द कस्टम सेट बाय ग्रुप्स, इसमें क्या लोग मिलकर क्या करते हैं, लोग मिलकर एक नया प्रिंसिपल बनाते हैं और बाकी के सब लोग उसी चीजों को फॉलो करते हैं। कैरेक्टर इज पर्सनल एट्रीब्यूट, क्योंकि ये पर्सनल होता है लेकिन ये ग्रुप होता है। बोलिए कस्टम आर डिटरमाइंड बाय ग्रुप्स और सम अथॉरिटी लाइक रिलीजन और कल्चर। एथिक्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन, वेदर इन दैट सिचुएशन इट इज एन एथिकल टू स्टेट द ट्रुथ। एथिक्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता है। मॉरल्स आर जनरल प्रिंसिपल एग्जाम्पल, यू शुड स्पीक द ट्रुथ, आपको सभी लोगों को समाज में रहने वाले सभी लोगों को सच बोलना चाहिए, ये क्या है हमारा मॉरल है। इसके बाद पढ़ते हैं वैल्यू फ्री एथिक्स। वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको काम फ्रीली माइंड में करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि किसी और का इफेक्ट उस पर पड़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसके ऐसा नहीं किसी क्या नाम, मान लीजिए उसका कोई परचून की दुकान है, मान लीजिए किसी की, ऐसे नहीं कि वो क्या नाम अपने परिवार के आटा लेने आ रहा है उसको फ्री में दे दे रहा अपने रिश्तेदारों को। बिजनेस का मतलब जो 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 प्रिंसिपल वो बाकी के लोगों पर लगा रहा है, यानी बाकी के लोगों को जिस रेट पर सामान देता है अपने लोगों को वो भी उसको उस रेट पर ही देना चाहिए। इसका जो बिजनेस है ना किसी भी चीज से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। इट वुड सीम दैट बिजनेस इज एथिकली न्यूट्रल और वैल्यू फ्री एक्टिविटी होनी चाहिए। इन अदर वर्ड द ओनली वैल्यू बिजनेस इज कंसर्न्ड विद द मॉनेटरी वैल्यू। It is not in the interest of business to fix ethical values. An ancient Arabic wisdom said, "Live together like brother." यानी साथ में रहना है भाई के साथ, लेकिन do business like stranger है ना। लेकिन जब उसी के साथ उसी भाई के साथ अगर आप business करो, तो करो कि आप उसको जानते ना हो। Business should be kept free from other social relationship and obligations. Okay? आप business को अलग treat करो, जो family की responsibilities उसको अलग treat करो। The only successful relationship that exists in business is that of a वेंडर एंड अ कस्टमर, यानी ग्राहक और एक मालिक का ही उसके बीच होना चाहिए, इसे कहते हैं वैल्यू फ्री एथिक्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। अगर मान लीजिए अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, या मान लीजिए पुलिस वाले हो, आप किसी पोस्ट ऑफिस में काम करते हो, बैंक में काम करते हो, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को माना जाता है वो पब्लिक का सर्वेंट है। तो पब्लिक सर्वेंट होने के कारण सेल्फलेसनेस, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस should take decisions solely in terms of the public interest, यानी
जो भी वो डिसीजन ले रहा है उस ऑफिस में बैठकर काम करने करते समय, तो वो पब्लिक की यानी जो पब्लिक है उसकी भलाई के लिए होना चाहिए। दे शुड नॉट डू इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट फॉर देमसेल्फ देयर फैमिली और देयर फ्रेंड। यानी वो ऐसा कोई भी कदम ना उठाए, ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे जो पब्लिक है उसका फायदा ना हो रहा बल्कि उसकी फैमिली का फायदा हो रहा हो, उसके रिश्तेदारों का फायदा हो रहा हो, उसके दोस्तों का फायदा हो रहा हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेल्फनेस, उसको ईमानदारी दिखानी चाहिए, इंटीग्रिटी, सच्चाई और ईमानदारी। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड नॉट प्लेस देमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन टू आउटसाइड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट माइट इन्फ्लुएंस देम इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड नॉट प्लेस देमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन टू आउटसाइड इंडिविजुअल। यानी मान लीजिए जो पब्लिक सर्वेंट है उसने मान लीजिए किसी व्यक्ति से उधार लिया वो अपने रिश्तेदार से, तो उसका एहसान चुकाने के लिए वो क्या कर रहा है कि जो पब्लिक की जो सुविधाएं हैं उसका गलत इस्तेमाल करके दूसरे व्यक्ति को फायदा दे रहा है। उसको ईमानदारी करनी चाहिए। जो भी उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, जो भी उसकी अपनी पर्सनल जो दिक्कतें हैं, उसको क्या करना चाहिए, साइड में रखना चाहिए, और जो पब्लिक के लिए उसको काम करने की ड्यूटी दी गई है उसको वो काम करना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी इन कैरिंग आउट पब्लिक बिजनेस इंक्लूडिंग मेकिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट, अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट और रिकमेंडिंग इंडिविजुअल और फॉर रिवार्ड एंड बेनिफिट। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड मेक एन चॉइस ऑन मेरिट। यानी अगर वो किसी को भी बेनिफिट दे रहा है तो जो रूल्स डिफाइन करेंगे उसी के तहत उसको बेनिफिट देगा। अकाउंटेबिलिटी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन। ओके, अगर किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर काम दिया गया है तो उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा उस काम के लिए। अगर कोई भी गलती होती है तो वो व्यक्ति अकाउंटेबल होगा यानी जिम्मेदार होगा। अकाउंटेबिलिटी शब्द का मतलब होता है जिम्मेदार। एंड मस्ट सबमिट देमसेल्फ व्हाटएवर स्क्रूटनी इज एप्रोप्रिएटेड टू देयर ऑफिस। ओके, अगर कोई गलती निकलती है तो वो व्यक्ति उसका जिम्मेदार होगा, एक्सप्लेनेशन उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी। ओपननेस होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड बी एज ओपन एज पॉसिबल अबाउट ऑल द डिसीजन एंड एक्शन दैट दे मेक। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड बी ओपन एज पॉसिबल अबाउट ऑल द डिसीजन एक्शन दैट दे टेक। जो भी वो डिसीजन ले रहा है जो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, उसको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए। दे शुड गिव अ रीजन फॉर देयर डिसीजन एंड रिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट क्लियरली डिमांड। ऑनेस्टी यानी ईमानदार होना चाहिए। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैव अ ड्यूटी टू डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू देयर पब्लिक ड्यूटीज। अगर उसका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। पहले तो पब्लिक के लिए काम कर रहा है तो उसको अपना पर्सनल काम नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर कर रहा है तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। टेक स्टेप टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग इन अ वे दैट प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करेगा। लीडरशिप होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड प्रमोट एंड सपोर्ट दीज प्रिंसिपल बाय साउंड रिलेशनशिप एंड प्रूव टू बी एन एग्जाम्पल इन वट एवर दे परफॉर्म। उसको लीडरशिप के एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड प्रमोट एंड सपोर्ट दीज प्रिंसिपल्स बाय साउंड लीडरशिप। उसको साउंड लीडरशिप दिखानी चाहिए अपनी एंड प्रूव टू बी एन एग्जाम्पल वट एवर दे परफॉर्म। ये सारा जो भी हमने एक्सपेक्ट किया है, द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक लाइफ यूके मई 1995। हम देखते हैं लॉ एंड एथिक्स का क्या फॉर्मूला है। तो एथिक्स का मतलब यह है कि बार बार आपको कोई समझाएगा नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए। एथिक्स का मतलब कि हर एक को एक एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। तो ये माना जाता है कि लॉ और एथिक्स का ये रिलेशनशिप है कि जहां पर कानून अपना काम करना बंद कर देता है वहां पर इंसानों को अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए, उसको हम एथिक्स बोलते हैं। वेयर लॉ एंड्स एथिक्स स्टार्ट। ओके, मतलब लॉ आपको डंडे मार के एथिक्स में क्या होता है, डंडे मार के समझाया नहीं जाता कि ये करना चाहिए ये करना चाहिए। आपकी अपनी बुद्धि जो है उसका इस्तेमाल करके आपको क्या करना चाहिए, समाज की भलाई करनी चाहिए। वेयर लॉ एंड्स एथिक्स विल स्टार्ट। ये सिंपल सा रूल है कि बिजनेस एथिक्स कैन बी सेट टू बिगिन वेयर लॉ एंड्स, है ना। बिजनेस एथिक्स कब स्टार्ट हो जाएगा, जब लॉ जो है वो एंड हो जाएगा। बिजनेस जो है प्रॉफिट के लिए भी है लेकिन लोगों की भलाई भी करनी चाहिए। बिजनेस एंड एथिक्स है ना, आप बिजनेस भी करो लोगों की भलाई भी करो। कैरेक्टर ऑफ बिजनेस पर्सनल प्रोफेशनल एथिक्स। बिजनेस एथिक्स द प्रोफेशनली अडियर टू अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। फर्दर इट मे बी करेक्टली स्टेटेड दैट प्रोफेशनल बियर द फॉलोइंग मार्क कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बिजनेस एथिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉम्पिटेंसी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए और कंपनसेशन यानी उसको एक बदले में रेमुनरेशन भी मिलना चाहिए। अब ये ध्यान रखना, 3 P ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस।
किसी भी बिजनेस को टिके रहने के लिए 3 P की जरूरत है। पहला है पीपल, यानी जो लोग भी इस कंपनी में काम कर रहे हैं उसको उन एम्प्लॉयज का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर सैलरी देनी चाहिए, प्रॉपर रेमोनरेशन देना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको टाइम पर आने दे, टाइम पर जाने दे। पता चले 8 से 9 की जो टाइमिंग है और वो 11 11 12 12 बजे तक काम करवा रहे हैं तो एम्प्लॉय से खुश नहीं होगा। समाज की भलाई भी करनी चाहिए, उस एम्प्लॉय के परिवार का इंश्योरेंस हो, उसकी देखभाल करा जाए। तो 3 P पीपल हो गया, यानी एम्प्लॉय जो उसमें काम कर रहे हैं, सोशल वैल्यू नहीं, समाज में रहने वाले लोगों की भी भलाई करनी चाहिए, उसके जो एम्प्लॉयज है उसकी भी भलाई करनी चाहिए, कस्टमर के बारे में भी सोचना चाहिए और जनरल पब्लिक जो सोसाइटी है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरा पी है प्लैनेट एनवायरमेंट, प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज, यानी आप अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करो जिससे समाज की भी भलाई हो। प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ द बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म्स, ओके। प्रॉफिट जो जनरेट करना हर एक बिजनेस का क्या है, एक मॉनेटरी टर्म्स है। बिजनेस एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंस क्या चीज है, स्टॉप बिजनेस मैल प्रैक्टिस, यानी वो बिजनेस जो मैल प्रैक्टिस ऐसी कोई भी ब्लैक जो है मैल प्रैक्टिस ना करे जिससे समाज की बुराई हो। जैसे मान लीजिए आजकल हॉस्पिटल जो है वो जो रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है उसकी कह रहे कालाबाजारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी लकड़ियां हैं उसी मतलब इस तरह की कालाबाजारी कर रहे, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। दवाइयों की हो गया। इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस, हर एक बिजनेस को अपने कस्टमर को उसकी सारी परेशानियों का समाधान करना चाहिए, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी चाहिए और बदले में उसका विश्वास जीतना चाहिए। अगर आप अच्छी सर्विस दोगे, अगर कस्टमर परेशानी झेल रहा है, अगर आप उसकी परेशानी को रिजॉल्व कर देते हो, कस्टमर हमेशा आपके बिजनेस के साथ बना रहेगा। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, इस कॉम्पिटिशन की दुनिया में अगर आप अपने कस्टमर को खुश रखते हो तो आप टिक पाओगे। सेफ गार्डिंग कस्टमर कंज्यूमर राइट, ओके। अगर कंज्यूमर ने कोई आपसे सामान खरीदा, कंज्यूमर ने आपसे कोई सर्विस ली, तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि उसकी सभी समस्याओं का समाधान करें, आप उसको कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का सामान दे ताकि उसका जो राइट है वो क्या हो, प्रोटेक्ट हो और वो हमेशा आपके साथ ही आपका कस्टमर बना रहे। प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर, जो भी अपने शेयर होल्डर से उनको अच्छी रिटर्न दिया जाए, उनको अच्छा मुनाफा दिया जाए, एम्प्लॉयज को टाइम पर सैलरी दी जाए, टाइम पर उनका हाइक दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए, ओके, उनके जो उनकी अगर कोई दिक्कतें हैं तो उन एम्प्लॉयज की दिक्कतों का समाधान किया जाए, हर साल उनको अच्छा हाइक दिया जाए। डेवलप गुड रिलेशन, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ अच्छा रिलेशन करें, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन करना चाहिए, बिजनेस को जो उनकी पार्टीज है, वेंडर है, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप करना चाहिए, समाज के लिए टाइम टू टाइम इनोवेटिव काम करना चाहिए। क्रिएट गुड इमेज, अगर आप ये सब काम करते हो तो उससे आपकी जो इमेज है वो क्या होती है, अच्छी बनती है। स्मूथ फंक्शनिंग, सिंपल सा है कि अपने बिजनेस को क्या करना चाहिए, आपको स्मूथ फंक्शनिंग होना चाहिए। अगर आप वेंडर से अच्छा संबंध रखोगे तो वो समय पर आपको मटेरियल देगा, अगर आप कस्टमर से अपने एम्प्लॉय से अगर अच्छा काम रखोगे तो एम्प्लॉय समय पर सामान को बनाएगा, और अगर आप मार्केटिंग वाले एम्प्लॉय से अच्छे रखोगे तो वो अपने सामान को कस्टमर तक भिजवाएगा, और अगर कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप रखोगे तो वो आपसे दोबारा सामान खरीदेगा एज वेल एज टाइम पर आपको पेमेंट करेगा। कंज्यूमर मूवमेंट, ओके, सिंपल सा है, कंज्यूमर मूवमेंट का मतलब आपको अच्छी क्वालिटी का सामान देना चाहिए, कस्टमर अगर कोई परेशानी झेल रहा है तो उसकी परेशानियों का निर्धारण करना चाहिए, ये नहीं कि आपने सामान बेच दिया तो पैसा और आपको पैसा मिल गया तो आपको दोबारा इसकी परेशानियों को नहीं देखना चाहिए। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये क्या होती है, कस्टमर फ्रेंडली होती है, ये सिंपल है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको जो है प्रोडक्ट रिप्लेस करके दे या उसको रिफंड करके दे, लेकिन कंज्यूमर जो है भगवान है और उसको जितनी भी परेशानी अगर कंज्यूमर को हो रही है तो उन परेशानियों का वो समाधान करे। इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, अपने एम्प्लॉयज का भी एक बिजनेस को ध्यान रखना चाहिए, ये बिजनेस एथिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हेल्दी कंपटीशन का मतलब हमें कोई कट थ्रो कंपटीशन यानी गला काट प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए, अपने जो कॉम्पिटिटर है उसका भी सम्मान करना चाहिए, बट आपको अपने प्रोडक्ट पर अपनी सर्विसेज पर काम करना, ना कि किसी दूसरे के प्रोडक्ट को गिराना है कि मार्केट में उसकी बुराई कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस एथिक्स, इतना ज्यादा कोई टेक्निकल है नहीं, बहुत ही सिंपल है। क्या पढ़ा था हमने दोस्तों, एथिक्स का मतलब सिंपल सा फंडा है, जो लॉ होता है पुलिस आपको आकर समझा सकती है, लेकिन क्या होता है कि हर काम पुलिस का या कानून का नहीं होता, कई चीजें ऐसी होती हैं जो समाज में रहने वाले लोगों को खुद ही खुद इस चीज को करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बोला जाता है कि जहां पर लॉ एंड हो जाता है वहां पर बिजनेस आता है, मतलब कि लोगों को अपनी समझदारी से काम करना चाहिए, एक दूसरे की सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए। एक बिजनेस है तो ये ऐसा नहीं करे कि वो क्या नाम है इसका, अपने कस्टमर से लूटता जाए, अपने वेंडर को परेशान करे, समाज का शोषण करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
एथिक्स का मतलब लॉ, जहां पर पुलिस डंडे मार के आपको नहीं समझाएगी, आपको खुद ब खुद ही उस चीज को समझना पड़ता है। तो सिंपल था, एथिक्स का मतलब हर एक व्यक्ति को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, कंज्यूमर को टाइम पर पैसा देना चाहिए जिससे उसने सामान खरीदा है, वेंडर को अच्छी क्वालिटी का सामान देना चाहिए, ओके, जो बिजनेस है उसको समाज की भलाई करनी चाहिए टाइम टू टाइम, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाहिए, अपने वेंडर का ध्यान रखना चाहिए, अपने कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए, टाइम टू टाइम टैक्स की पेमेंट करनी चाहिए सरकार को, ताकि सरकार को भी अपना देश चलाने में हेल्पफुल हेल्प हो सके। सो बहुत ही इजी है अपना, ये दोबारा से एक बार हम पढ़ लेते हैं और अपनी लॉ फिनिश हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे अपना MCQ। सिंपल सा है दोस्तों, एथिक्स का सिंपल सा मतलब ये है कि जहां पर भी लॉ एंड हो जाए, जहां पर लॉ एंड हो जाए मतलब कि आपको अपनी समझदारी से समाज की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा, कोई भी एक ऐसा काम नहीं करना आपको जिससे समाज को नुकसान हो और आपका भी नाम खुद खराब हो। एथिक्स और मॉरल, एथिक्स का मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति किस तरीके से समाज की भलाई कर रहा है, जब इंडिविजुअल व्यक्ति कहा जाता है। मॉरल मतलब समाज के लोग मिलकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, जो डिसीजन सबको फॉलो करना है। एथिक्स जो है किसी एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जबकि जो मॉरल होता है दोस्तों, जो मॉरल होता है वो क्या होता है, सब लोगों का मिलकर, मतलब सब लोग मिलकर एक कुछ डिसाइड करते हैं और वो सबको फॉलो करना पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल, सिंपल से हमने पढ़ा था, जो एथिक्स है ग्रीक वर्ड एथिकोस से है जिसका मतलब है कैरेक्टर, और जो मॉरल है वो ग्रीक वर्ड मॉस से है जिसका मतलब है कस्टम। ये डील करता है एथिक्स क्या सही है क्या गलत है, और ये प्रिंसिपल्स पर डील करता है, कुछ लोग मिलकर प्रिंसिपल को बनाते हैं। डील विद इंडिविजुअल कैरेक्टर, ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, जबकि ये लोग मिलकर इसको कस्टम बनाते हैं। कैरेक्टर इज पर्सनल एट्रीब्यूट, जो जो कैरेक्टर है वो किसी व्यक्ति का एक पर्सनल एट्रीब्यूट होता है। कस्टम आर डिटरमाइंड बाय ग्रुप और सम अथॉरिटी लाइक रिलीजियन और कल्चर। कस्टम्स आर डिटरमाइंड बाय ग्रुप्स, यानी सिंपल सा कस्टम जो है कुछ लोग मिलकर डिसाइड कर देते हैं कि ये चीजें हमें इस काम को इस तरीके से करना चाहिए, हमें इस काम को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। एथिक्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल, सिंपल सा इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है, और ये क्या है, मॉरल था जनरल प्रिंसिपल्स यू शुड रिस्पेक्ट ट्रुथ, यानी समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को ट्रुथ बोलना चाहिए। वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब जो बिजनेस काम कर रहा है उसको, जो परिवार की मतलब बिजनेस जो है अलग है और परिवार के लोग जो है वो अलग हैं। सेल्फलेस ईमानदारी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी ईमानदारी ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, कि सिंपल सा है कि जो जो भी पब्लिक के लिए काम कर रहा है तो उसको पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है उसको, हर एक पब्लिक सर्वेंट जो है उस दिए गए काम के लिए वो क्या होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। ओपननेस, यानी वो ओपननेस होना चाहिए, ठीक है ना, जो उसको काम दिया गया है अगर उसको जब भी दिखाने के लिए बोला गया तो वो काम को दिखाएगा। ऑनेस्टी ईमानदारी, लीडरशिप, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, उसके साथ अंडर में जो काम कर रहे हैं या तो उसके जो साथ के दोस्त हैं उनकी भी उसको हेल्प करनी चाहिए समाज में रहने वाले। ये एक्सपेक्ट किया था हमने फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक लाइफ यूके मई 1995। द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, सिंपल सा है, क्या कहा जाता है कि एथिक्स जो है ना लोगों को अपनी एक समाज की भलाई के लिए खुद से ही करना चाहिए। लॉ ऐसे नहीं कि आपको बार बार आकर समझाया जाएगा, लॉ जहां पर एंड हो चुका है यानी आपको समझाया नहीं जाएगा, आपको खुद ही एक समझदार व्यक्ति बनना पड़ेगा। यहाँ पर हर एक बिजनेस जो है उसको प्रॉफिट के लिए काम करना चाहिए, साथ ही साथ समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। बिजनेस इन एथिक्स जो है, बिजनेसमैन को ऐसा एथिक्स काम करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कैरेक्टर ऑफ बिजनेस, प्रोफेशनल एथिक्स, 3 P क्या थे, पीपल प्लैनेट और प्रॉफिट। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, स्टॉप बिजनेस मेल प्रैक्टिसेस, यानी जो बिजनेस जो है, जो बिजनेस गलत काम कर रहे हैं उनको समझाया जाएगा कि आपको इस तरीके से काम को नहीं करना चाहिए, इससे समाज में गलत इम्पैक्ट जा रहा है मैसेज। इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस, आप कस्टमर का इतना अच्छे से ध्यान रखिए, उसको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करिए, जब अगर इन फ्यूचर भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस प्रॉब्लम का रिजॉल्व करें। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस बहुत लंबे समय तक टिके रहना चाहता है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में,
अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना पड़ेगा, वेंडर का ध्यान रखना पड़ेगा, कस्टमर का ध्यान रखना पड़ेगा, सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इन पार्टीज का वो ध्यान रखता है तो 100% बहुत लंबे समय तक सर्वाइवल रहेगा बिजनेस। सेफ गार्डिंग ऑफ कंज्यूमर राइट, जो भी उसके कंज्यूमर है उनको अच्छे से ध्यान रखे, जो जो उनको सर्विसेज चाहिए हर समय आपको उपलब्ध रहनी चाहिए सर्विसेज। प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को अच्छे से रिटर्न देना चाहिए, शेयर होल्डर्स को जब जो जानकारी चाहिए वो जानकारी बिजनेस को प्रोवाइड करनी चाहिए। और प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज का मतलब है दोस्तों, एम्प्लॉयज जो है उनको समय पर सैलरी दें, समय पर उनको जाने दें, ऐसा नहीं कि आप 12-12, 16-16 घंटे काम करवा रहे हो, उनके फैमिली का भी ध्यान रखा जाए और हर साल एक अच्छा उनको इंक्रीमेंट दिया जाए। डेवलप गुड रिलेशन, बिजनेस को गुड रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए अपने एम्प्लॉय से, शेयर होल्डर से, वेंडर से, कस्टमर से, गवर्नमेंट से। समय पर टैक्स देगा तो गवर्नमेंट भी उससे हैप्पी रहेगी। क्रिएट गुड इमेज, अगर वो इन चीजों को फॉलो करता है तो उसका मार्केट में एक अच्छा नाम ऑटोमेटिक हो जाता है। स्मूथ फंक्शनिंग, अगर अपने कंज्यूमर से अच्छे से बात करेगा, कस्टमर से अच्छे से बात करेगा, वेंडर से अच्छे से करेगा, गवर्नमेंट को टाइम पर टैक्स देगा, एम्प्लॉय को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा काम करने का, तो वो स्मूथ फंक्शनिंग होगी, उसको कोई बिजनेस को कोई परेशानी नहीं होगी। कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट का मतलब कि अगर एक कंज्यूमर, अगर मान लीजिए अगर कंज्यूमर को सारी चीजें बिजनेस अच्छे से प्रोवाइड करेगा तो वो किसी और दूसरे बिजनेस की ओर मूव करने का सोचेगा भी नहीं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, अगर आप कंज्यूमर को सही से सर्विसेज दो, आप अच्छी क्वालिटी का सामान दो, जब वो परेशानी फेल करे तो आप उसकी परेशानी को ऑन द स्पॉट रिजॉल्व कर दो या एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व करो, कंज्यूमर हमेशा आपके साथ सेटिस्फाई रहेगा और आपके बिजनेस को कभी भी छोड़ने के बारे में सोचेगा नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, सिंपल सा, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना, हर साल एक अच्छा इंक्रीमेंट करना, काम करने का अच्छा है, इनको इन्वायरमेंट देना, हेल्दी कॉम्पिटिशन। अगर आप ये सब चीजें करते हो तो इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आप जीत सकते हो। और हेल्दी कॉम्पिटिशन का मतलब ये भी है कि अपने कॉम्पिटिटर का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमेशा आप उसकी बुराई कर रहे हो और अपनी अच्छाई। सो गाइज, ये था हमारा बिजनेस एथिक्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस एथिक्स, चारों स्टडी नोट नंबर हमने फिनिश कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से अब हम एमसीक्यू करना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइज, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे इस बिजनेस एथिक्स के एमसीक्यू के साथ। तो फ्रॉम माई साइड दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। बाय गाइज।